السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وأهل سنته وإترته، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. इस्मत की है जो चादर, इस्लाम की है बेटी, शर्मो हया का पैकर इस्लाम की है बेटी। ज़ाहिर की जीनतों से परहेज़ तू क्या कर, ज़ाहिर की जीनतों से परहेज़ तू क्या कर। ऐ मेरी प्यारी दुख्तर इस्लाम की है बेटी, हरगिज़ भुला ना पाए इस्लाम की वो कदरे। नाजो नाम में पलकर इस्लाम की है बेटी, अल्लाह की रज़ा में हर दिन यूँ गुज़रे तेरा। सोमो सलात अक्सर इस्लाम की है बेटी, इस्लाम हो न रुस्वा तेरे सबब कभी भी, इस्लाम हो न रुस्वा तेरे सबब कभी भी। इस्लाम की ए दुख्तर इस्लाम की है बेटी, दुनिया में सबसे पहले आगोश है मदरसा, दुनिया में सबसे पहले आगोश है मदरसा। चल तू ज़रा संभल कर इस्लाम की है बेटी, और अर्ज़ क्या है तहते खुदूम तेरे औलाद की है जन्नत। हैरान न हो पढ़कर इस्लाम की है बेटी, हर बाप कह रहा है तुझसे आन मेरी, हर बाप कह रहा है तुझसे है आन मेरी। कदमों पे तेरे गिरकर इस्लाम की है बेटी, महजूज हो रही है दुनिया लतीफ़ सारी। अशआर तेरे सुनकर इस्लाम की है बेटी। एक मरतबा बारगह रिसालत में दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम। हाज़रीन इकराम, खुतबे में मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसका तर्जुमा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह 3 में इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सूरत में पैदा किया। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि बनाने वाला खुद इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम्हें सबसे बेहतरीन बनाया, हर एतबार से बेहतरीन बनाया। इल्लत व मालूल के एतबार से, जिस्म व सूरत के एतबार से, फ़िक्र फ़हम के एतबार से, अक्ल के एतबार से, हर एतबार से हमने तुमको बेहतरीन बनाया। मगर इंसान है कि वो अपने आप को कमतर समझ रहा है और इसी एहसास से कमतरी का शिकार होकर अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा करना चाह रहा है, और मॉडर्निज़म या फैशन, इसको फैशन या जीनत का नाम देकर मॉडर्निज़म अख्तियार कर रहा है, मॉडर्निज़म के जो उसूल है वो अख्तियार कर रहा है। हालांकि दरअसल मॉडर्निज़म फैशन का नाम नहीं, मॉडर्निज़म एहसास कमतरी का नाम है। यानी अगर कोई शख्स, कोई इंसान अपने आप को कमतर समझ रहा है, जब एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है, तो उस वक्त वो अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा करने के लिए मस्नूई हुस्न अख्तियार कर रहा है, उसका मस्नूई हुस्न का सहारा ले रहा है। मगर बनाने वाला तो फरमा रहा है कि हमने तुम्हें सबसे बेहतरीन बनाया। तो अब जो यहाँ पर जो तब्दीलियाँ पैदा हो रही है, ये किसका हुक्म है? ये तो शैतान का हुक्म है, क्योंकि कुरान में आता है कि जब शैतान को, जब इबलीस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से निकाल दिया, तो उसने कहा, कुरान की आयत है कि वलआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, यानी कि मैं उनको ज़रूर हुक्म दूँगा कि वो अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़े, उसमें तब्दीलियाँ पैदा करे। तो जब यहाँ पर शैतान कह रहा है कि मैं तेरे बंदों में से कुछ बंदों को भटका दूँगा, उनमें से एक फ़िरक़े को भटका दूँगा, और मैं उनको क्या हुक्म दूँगा कि वो अपने अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में बिगाड़ करे, उसमें तब्दीली पैदा करे, तो ये जो हुक्म आ रहा है वो शैतान की तरफ से आ रहा है। और जो उसकी पैरवी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो शैतान के अहकाम की पैरवी कर रहे हैं, उसके अहकाम पर अमल पैदा हो रहे हैं।
तो ये तो शैतान का हुक्म है, जो अगर अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा करेंगे तो वो शैतान का हुक्म हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कुरान में इरशाद फरमाता है कि सूरह रूम की आयत नंबर 30 है, फ़तिहतल्लाहिल्लती फ़तवन्नासा अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरुन्नासि ला यअलमून। अल्लाह की बनाई हुई फितरत अख्तियार करो जिस पर अल्लाह ने तमाम लोगों को पैदा किया, और अल्लाह की तख्लीक में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती, यही बिल्कुल सीधा रास्ता है, मगर अक्सर लोग ये नहीं जानते। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमा रहा है कि सीधा रास्ता क्या है, कि अल्लाह की तख्लीक में कोई तब्दीली ना की जाए, उसमें कोई तब्दीली लाई नहीं जा सकती, ये सीधा रास्ता है। और अगर उसमें कोई तब्दीली अख्तियार कर रहे, कुछ उसमें चेंजेस कर रहे, तो वो तो शैतान की पैरवी हो जाएगी। और मुसलमानों पे अल्लाह का हुक्म मानना है, शैतान की पैरवी करना मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, या मुसलमानों को ऊपर जायज़ नहीं है कि वो शैतान की पैरवी करें। उन पर फ़र्ज़ और वाजिब ये है कि वो अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा हों। इससे मुतालिक मैं आपको एक हदीस भी सुना दूँ कि हदीस में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने लानत की है जिस्म गुदवाने वालियों पर और गुदने वालियों और गुदवाने वालियों पर, पेशानी के बाल उखाड़ने वाली और उखड़ाने वाली औरतों पर, दांतों के दरमियान खूबसूरती के लिए फासला पैदा करने वालियों पर, और जो अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करते हैं उन पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पर अगर कोई काम कर रहे या करवा रहे, दोनों के ऊपर भी अल्लाह की लानत है, जो गुदवाने वालियों पर भी और गुदने वालियों पर भी अल्लाह की लानत है। और एक हदीस में कुछ वर्ड्स का इजाफा है, कुछ अल्फाज का इजाफा है कि बाल मिलाने वालियों और मिलवाने वालियों पर और आईब्रोज बारीक करवाने वालियों पर भी अल्लाह की लानत है। तो यहाँ पर मसला क्या है कि अगर लफ्ज़ अल्लाह की तख्लीक में कोई तब्दीली हो रही, क्योंकि अल्फाज क्या है, अलमुग़िरा तो खलकिल्लाह ताला, यानी कि अगर अल्लाह की तख्लीक में लफ्ज़ कोई तब्दीली हो रही तो उन पर अल्लाह की लानत है। अब यहाँ पर मामला ये हो गया है फ़ी ज़माना कि अगर कोई शख्स किसी को रोक रहा है कोई बुरे काम से, तो सामने वाला समझ रहा है कि शायद वो हसद से रोक रहा है, हसद से उसको बुरा भला कह रहा है, या उस काम को तर्क करने की नसीहत कर रहा है। मगर यहाँ पर काबिले गौर बात यह है कि उन लोगों से हसद क्यों किया जाएगा जिन पर अल्लाह की लानत हो, तो क्योंकि यहाँ पर तो वाज़े है कि उन लोगों पर अल्लाह की लानत है, तो उन लोगों से कौन हसद करेगा, कोई बेवकूफ़ होगा शख्स होगा जो उनसे हसद करेगा जिन पर अल्लाह की लानत है। ये ना कोई फ़ख्र की बात है ना कोई हसद की बात है। अब यहाँ पर होता और एक बात क्या है कि यहाँ पर कुछ औरतें ऐसी होती है जो शोहर की रजामंदी, शोहर की खुशनुदी को आड़ बनाकर ऐसे काम करती है जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो ये पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये बात वाज़े कर दूँ कि मुसलमान मर्द या औरत सबसे पहले उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल पैरा हो, उसके बाद उस पर यह चीज़ फ़र्ज़ है कि वो वालिदैन की इताअत करे या शोहर की इताअत करे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये सूरह निसा की आयत है, यानी ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। तो सबसे पहले सब के ऊपर, हर मुसलमान के ऊपर क्या चीज़ फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल पैरा हो, उनकी इताअत करे, उसके बाद शोहर या वालिदैन की इताअत करे। और एक हदीस में भी आता है कि ला तौअतुन लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़, यानी मखलूक में से किसी की इताद भी जायज़ नहीं है ऐसे कामों में जिनमें अल्लाह की नाफरमानी लाजिम आए। यानी अगर कोई काम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ है तो उसमें किसी की भी रजामंदी के लिए आप वो काम नहीं कर सकते। और यहाँ पर कुछ फुकाह कराम ने कहा है कि अगर और मर्दों की मुतशाबहत हो रही, अगर मर्दों की मुशाबहत हो रही, तो उस सिलसिले में अगर कोई तब्दीली कर रहे तो वो जायज़ है, मगर कराहियत के साथ। अब यहाँ पर मैं ये भी बात बता दूँ कि मर्दों की मुशाबहत में के लिए एक हदीस है कि हदीस में आता है لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की वजह अख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों की वजह अख्तियार करते हैं, यानी जो उनकी तरह मुशाबहत करते हैं उन पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। अब जैसे कि जो बहुत आम हो चुका है वो ये है कि शोल्डर्स के ऊपर तक बाल कटवाए जा रहे हैं, औरतें शोल्डर्स के ऊपर तक बाल कटवा रही है, तो उसमें क्या होगा, मर्दों की तरह हो जाएगा, वो मर्दों की मुशाबहत हो जाएगी। तो उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह की उन पर लानत है। तो अगर ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई फैशन है जिसमें मर्दों की मुशाबहत हो रही, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो गैर शरई हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात वाज़े कर दूँ कि ऐसा नहीं है आप बिल्कुल जीनत को छोड़ दें, बिल्कुल तर्क कर दें, सजे सवरे नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्लाम में तो जीनत का हुक्म है। हदीस में है कि इन्नल्लाहा जमीलुन युहिब्बुल जमाल, यानी अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाता है। अब यहाँ पर ख़ूबसूरती से मुराद गोरापन नहीं है, ख़ूबसूरती एक्चुअल क्या है, ख़ूबसूरती का माना क्या है, ख़ूबसूरती कशिश का नाम है, अट्रैक्शन का नाम है, साफ़ सुथराई का नाम है, सिर्फ गोरेपन का नाम ख़ूबसूरती नहीं है। ये जो हमारे आज माशरे में समझा जा रहा है उसका मतलब गोरेपन का नाम ख़ूबसूरती नहीं है। और हमारे पास इस्लाम में हुक्म है कि हम बाल, जैसे कि बाल बनवाना, साफ़ सुथरा रहना, नाखून तराशना, ये सब ज़ीनत का हुक्म है। ये सब चीज़ें क्या है, ज़ीनत बढ़ाने के लिए है। तो हमें इस्लाम में ज़ीनत का हुक्म है, मगर ऐसी ज़ीनत का नहीं है जो इस्लाम के अहकामात के ख़िलाफ़ हो, जो हमें गुनाह के रास्ते पर लेके जाए, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ हो, ये ज़ीनत का हुक्म नहीं है। बस ऐसी ज़ीनत का हुक्म है जो अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ ना हो, वो ज़ीनत आप बिल्कुल अख्तियार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो गई बात ज़ीनत अख्तियार करने की, और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बात वाजे कर दी कि किस तरह आपको मेकअप कर, किस तरह आपको सजना संवरना है। अब हो रहा ये है हमारे ज़माना कि लोग मगरबी तहज़ीब की तरफ भागे जा रहे हैं, और इस्लाम सिर्फ लोगों की ज़बानों पे रह गया है, और मुसलमान इस्लाम के हकीकी इनामात से दूर हो गए हैं, महरूम हो गए हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि ये सब का ज़िम्मेदार मुसलमान ख़ुद है। तो मुसलमान अपनी तहजीब को छोड़कर, इस्लाम की तहजीब को छोड़कर दूसरों की तहजीब अख्तियार कर रहा है, उसकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं। क्योंकि क़ुरान मजीद में क्या आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, वमन युशाक़िक़ अर्रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबिअ गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लीहि मा तवल्ला वनुस्लीहि जहन्नम वसाअत मसीरा। यानी जो शख्स रसूल की मुखालिफत करे और अहल ईमान की राह को छोड़कर किसी और राह पर चले, इसके बाद के हिदायत का रास्ता वाज़ हो चुका है, हम उसको उसी की तरफ फेर देंगे जहाँ वो खुद फिरना चाहता है, और हम उसे जहन्नम में झोंक देंगे जो बदतरीन ठिकाना है। यानी अगर जो शख्स जिस कौम की तरह रह रहा, जिस कौम की तरह रसूम और रिवाज अख्तियार कर रहा, वो उस शख्स को, उस मुसलमान को उसी कौम के साथ उठाया जाएगा और जहन्नम में उसी कौम के साथ झोंक दिया जाएगा। क्योंकि अग्यार के रसूम और रिवाज वो कौमें अपनाती है जिनके पास खुद के रसूम और रिवाज ना हो, मगर हमारे पास तो इस्लाम की बेहतरीन तहजीब है, इस्लाम के बेहतरीन तहजीब व तमद्दुन है, इस्लाम के बेहतरीन उसूल है, फिर हम दूसरों के अग्यार के रसूम को क्यों अपनाएँगे। ये तो वो हो जाएगा ना कि हमारे पास ख़ुद की तहजीब रहने के बावजूद हम दूसरों की तहजीब अख्तियार कर रहे हैं। आखिरी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इस्लाम के सही अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए, और गैर शरई फैशन से महफूज रहने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बला।